और अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं मऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों के खातों में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाने वाली है। इतना बड़ा कार्य भाइयों बहनों पहली बार देश के अंदर हुआ है। किसानों की उपज को खरीदने का मामला हो, गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की उपज को खरीदने का हो या फिर केंद्र प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने का कार्य, ये सभी कार्य सफलतापूर्वक किए गए। और आज जब किसानों की आमदनी को दोगुना करने के क्रम में केंद्र की सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए हैं, जिसके अंतर्गत किसान को स्वतंत्रता दी जा रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान को बिचौलियों से मुक्ति उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों हमें देखना पड़ेगा, बार बार केंद्र सरकार ने कहा है MSP बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बंद नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। APMC एक्ट में संशोधन के बाद मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन एक नई प्रतिस्पर्धा जहां अच्छा दाम किसान को मिलेगा, किसान वहां पर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। बार बार कहा जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, किसान देना चाहे तो अपनी खेत को कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए दे सकता है, लेकिन मालिक तो उसका किसान ही रहेगा। लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है कि किसान के खेत पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। कैसे कोई कब्जा कर लेगा, आप जान नहीं रहे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोई माफिया बन करके जाएगा तो माफिया की क्या दुर्गति होती हुई देख रहे होंगे इस समय। किसान के हितों के साथ और मजदूरों के हितों के साथ और युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की चोट नहीं दी जाएगी, और अगर कोई करेगा तो फिर परिणाम भी भुगतेगा, और यही तो कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी एक झूठ को बार 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 कह करके जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा करने का उचित प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सुधार आज की आवश्यकता है, और इस सुधार के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। ये विकास इसी सुधार की प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। हम आने वाले समय में ढेर सारे नई योजनाओं के साथ यहां पर आ रहे हैं। आज तो मैं केवल एक सामान्य जनपद भ्रमण और यहां की समीक्षा की दृष्टि से आपके बीच में आया था। इन योजनाओं का जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहां पर प्रयास करके यहां के विकास के लिए कुछ योजनाएं ला करके आपको समर्पित की हैं, इन योजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अपने इन सभी तीनों अपने विधायकों का, MLC का, जो हमारे मंत्री हैं श्री दारा सिंह जी, श्री राम सोनकर जी, श्री विजय राजभर जी, श्री यशवंत सिंह जी।